गुड आफ्टरनून। आज हम लोग को चेक से स्टार्ट करना है, उसके पहले तक कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में या प्रॉमिसरी नोट में। तो आज हम लोग चेक से स्टार्ट करेंगे। तो चेक नॉर्मल टर्म है, हम लोग बहुत बार अपने डे टू डे लाइफ में जब हम लोग पेमेंट्स वगैरह की बात करते हैं तो मोस्टली वो प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज ये वर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग नॉर्मली जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारा चेक होता है। चेक में हमारी मिनिमम तीन पार्टीज तो होती ही हैं। एक होता है हमारा ड्रॉअर, एक होता है हमारा ड्रॉई और एक होता है हमारा पे। ड्रॉअर का मतलब होता है हु ड्रॉज द चेक, एक तरीके से हम इसको मेकर भी कह सकते हैं। ड्रॉई का मतलब द बैंक थ्रू विच, हाँ, लेकिन ये वर्ड जो हम लोग के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसमें ड्रॉई ही हम लोग यूज करेंगे। द बैंक थ्रू विच पेमेंट इज रिसीव्ड, और पेई का मतलब टू हूम पेमेंट इज मेड। काफ़ी बार ड्रॉअर और पेई एक भी हो सकता है, कई बार होता है ना सेल्फ अपने लिए ही चेक है, तो मेकर और पेई एक बंदा भी हो सकता है, बाकी एक बैंकिंग चैनल ज़रूर होगा। जैसे प्रॉमिसरी नोट में ज़रूरी नहीं है कि किसी बैंक, उसमें कहता है ना कि आई प्रॉमिस यू टू पे, आई ओ यू, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ही हो। तो जब हम किसी बैंक के ऊपर वो चेक इम्पोज करते हैं और वो बैंक है जिसके पास हमारा अकाउंट है और हमारे अकाउंट में उतनी पैसे भी होने चाहिए तभी बैंक हमारे चेक को आगे ऑनर करेगा, नहीं तो हमारा जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो ये है हमारा चेक। अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जिसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉई। हमारा अकाउंट जिस बैंक में है हम उसी बैंक के चेकबुक में वो सारी एंट्री करेंगे। एंड पेबल ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है जब हम लोग चेक को बैंक में जमा करते हैं, बैंक ऐसे उसको क्लियर, एक आध दिन बैंक लेता है ना, तो ये हमारा क्लियरिंग प्रोसेस होता है। मतलब बैंक जो है वो वेरीफाई करता है वेदर द चेक इज रियल और फॉर्ज्ड। आप देखते होंगे चेक में एक पतली सी तार तरीके की भी होती है, उसमें बैंक वगैरह का नाम होता है, बैंक की डिटेल। तो जब ये एक तरीके से ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। जब हम लोग चेक को बैंक में लगाते हैं वेरिफिकेशन के दौरान चेक की इलेक्ट्रॉनिक पूरी इमेज उनके लैपटॉप में या जो भी उनका कंप्यूटर डिवाइस वगैरह होता है उसमें जाती है, वहाँ से वेरीफाई होता है कि ये चेक ओरिजिनल है या ये फॉर्ज चेक है। अगर ओरिजिनल होगा तभी वो क्लियर होता है, अगर वो फॉर्ज चेक होगा तो वो तुरंत आपको बता देंगे। और अगर आपने वो धोखा वगैरह किया, अगर तो उसमें कुछ एंट्री वगैरह मिसिंग है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर चेक ही नकली है तो आपके ऊपर फिर वो लोग केस करते हैं कि गलत चेक फाइल करके ये बंदा पेमेंट रिसीव करने की या पे करने की कोशिश करे। ट्रंकेटेड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। चेक हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं मिलता, चेक तो हमें दिया गया है, लेकिन जब हम लोग वो चेक वहाँ पे डालते हैं और चेक क्लियर होने में एक का दिन लगता है, एक दिन तो लगता ही लगता है, जितना भी स्पीड बैंक होगा शाम तक या अगले दिन तक ही वो आपके अकाउंट में पेमेंट डालेगा। पेमेंट डालने के दौरान ये जब क्लियर किया जा रहा है, चेक क्लियर किया जा रहा है मतलब वेरीफाई किया जा रहा है, तो वो लोग अपनी डिवाइस में जब चेक को लगाते हैं रखते हैं तो उनकी स्क्रीन में एज इट इज़ वो चेक बन के आ जाता है, जहाँ से उनको पता चलता है कि ये चेक रियल है कि गलत है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रंकेटेड। और ये वर्ड हमारा यूज़ होता है, ये क्लियरिंग का वर्ड है, जब हमारे चेक्स को वेरीफाई किया जाता है उसी चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उनकी स्क्रीन में आ जाता है। चेक्स हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं मिलते, अगर हमें आपको पेमेंट करनी हम चेक देंगे, चेक की फोटो आपको नहीं देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब ये नहीं कि चेक ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया, चेक ऑनलाइन फॉर्म में नहीं दिया जाता, चेक चेक की हैंड टू हैंड डिलीवरी होती है। जब हम लोग ड्रॉई बैंक के पास वो चेक को लगाते हैं और जब बैंक उस चेक को क्लियर कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है, तो उनका एक डिवाइस होती है जहाँ पे वो लोग चेक को रखते हैं। जब वो लोग वहाँ पे चेक को रखते हैं तो उसकी एक इमेज उनके स्क्रीन पे आ जाती है, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि ये चेक सही है या नकली है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रंकेटेड चेक। अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स चेक विच कंटेन एग्जैक्ट मिरर इमेज, जब वो लोग उसमें डालते हैं एज इट इज़ उसकी इमेज उनकी स्क्रीन पे आ जाती है एंड इज जनरेटेड रिटन साइन, मतलब जैसे आपने वो चीज़ें लिखी हैं डिजिटली ऑनलाइन वो वहाँ पे आ जाएगी, जिसमें उनको वेरीफाई जो भी उनके कोड्स वगैरह होते हैं उनको क्लियरली समझ में आ जाता है कि चेक ये हमारे ही बैंक का है, सही है या गलत है। आप कोई भी चेक देखोगे साइड में एक तार वगैरह भी होती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनको क्लियरली बताती है कि सही है कि नहीं है। हमें लगता है नोट असली है कि नकली, बैंक में जाता है वो लोग
अपनी मशीन में डालते हैं तो पता चल जाता है। तो ये उसी तरीके की डिवाइस है, लेकिन वहाँ पे चेक्स जो हमारे नोट होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज नहीं आती, यहाँ पे चेक एज इट इज उनकी स्क्रीन में आ जाता है वेरीफाई करने के लिए। ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड, मतलब वेरीफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग। हमने पहले बोला ये क्लियरिंग प्रोसेस में वेरिफिकेशन के दौरान ही हमारा ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अ ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल ईदर बाय क्लियरिंग हाउस और बाय बैंक। बैंक का अपना भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है या ये काम बैंक अपने एक दूसरे क्लियरिंग हाउस को देता है। वहाँ पर पहले वो लोग चेक्स को वेरीफाई करते हैं, चेक की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इमेज उनकी स्क्रीन पर आ जाती है, वहाँ से वो लोग देखते हैं कि ये चेक सही है कि नहीं। अगर सही होता है तभी उस चेक को ऑनर किया जाता है, नहीं तो वो चेक वहीं से डिसऑनर हो जाता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब आरबीआई का वो डिपार्टमेंट या हमारे बैंक का वो डिपार्टमेंट जहां से ये चेक्स वगैरह को क्लियर करवाया जाता है, वेरीफाई करवाया जाता है, वो है हमारा क्लियरिंग हाउस। चेक जो है ये कुछ अलग नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ही एक स्पीशी है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की ही स्पीशी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये हमेशा डिमांड पे पेबल होता है, मतलब जो डेट वगैरह लिखी होती है और हमें खुद प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर वो डेटेड चेक हम अपने पास ही रखेंगे बैंक अपने आप उसको क्लियर नहीं करेगा। प्लस यहाँ पर ड्रॉई ज़रूर होता है, इसकी पेमेंट आपको एक स्पेसिफाइड बैंकर के थ्रू ही मिलेगी, ऐसे ही कोई बंदा आपको पे नहीं कर सकता। वो जो चेक है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में डालना ही पड़ेगा, जिस अकाउंट में उस बंदे का अकाउंट होगा वहीं से कट के पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। सेल्फ चेक है तो आप ओवर द काउंटर भी रिसीव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्रॉसिंग वगैरह होती है ताकि पता चल जाए कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसी को चेक की अगेंस्ट पेमेंट मिले। तो चेक में तीन पार्टीज तो होती ही होती हैं, एक होता है ड्रॉअर जो मेकर ऑफ द चेक होता है, जो चेक बना रहा है, हो सकता है ड्रॉअर और पेई एक बंदा है, इनके सामने अपने लिए चेक बनाया है, और एक होता है ड्रॉई मतलब जिस बैंक के पास हम लोग ने चेक को ऑनर किया, जिस बैंक के थ्रू हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे वो होता है ड्रॉई। तो जो चेक को साइन करता है मेकर है, जो साइन कर रहा है, पूरी आपकी डिटेल भर रहा है, क्रॉस कर रहा है, फिर अपना साइन करता है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है आपको मिल जाएगा। पे का मतलब जिसको पेमेंट दी जाती है, और ड्रॉई का मतलब बैंक जिसके ऊपर चेक ड्रॉ किया जाता है, जो उसको ऑनर करता है, जिसके जिस बैंक में ड्रॉअर का अकाउंट होता है। हम लोग तो बैंक अपने ही अकाउंट में डालते हैं ना चेक, लेकिन आता कहाँ से, जहाँ पे आपका अकाउंट होगा आप वही वाले बैंक अकाउंट का चेक हमें दोगे, लगा हम किसी दूसरे बैंक में भी सकते हैं जहाँ पे हमारा अकाउंट हो। क्लियर है यहाँ तक? चेक के रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले तो चेक हमारा रिटर्न में होगा, और मस्ट बी एन ऑर्डर इन राइटिंग, मतलब हम लोग बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है उस बंदे को इतनी पेमेंट आप कर दो। तो ये एक ऑर्डर है कि हमारे पास तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप उसके अगेंस्ट इसको पेमेंट दो। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, हम चेक के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते। चेक का सिंपल एक फॉर्मेट है, वहाँ पे आपको डेट लिखनी है, अपना साइन करना है, नाम लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं फिगर में, और उसमें बस, बाकी आप कुछ नहीं लिख सकते। चेक साइंड होना चाहिए ड्रॉअर से, अमाउंट वर्ड्स में भी आप लिखोगे फिगर में, और दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो टैली नहीं करेंगे तो वो लोग चेक को हटा देंगे। चेक में भी पेबल टू ऑर्डर और बियर, अगर वो क्रॉस्ड नहीं है तो ओवर द काउंटर पेमेंट रिसीव हो जाएगी, इसीलिए हम लोग हमेशा उसको क्रॉस कर देते हैं। ऑर्डर का मतलब क्रॉस, भले ही हमने बीच में नाम नहीं लिखा लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्रॉस करते, क्रॉसिंग के बाहर हम लोग एंड कंपनी नेगोशिएबिलिटी कुछ भी वर्ड्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसकी क्रॉसिंग जरूर करते हैं। क्रॉसिंग करने से क्या होगा कि जो भी बंदा उसको लेने जाएगा पेमेंट उसको नहीं मिलेगी, जिसका नाम है उसी को मिलेगी, ऐसे ही बियरर को नहीं मिलेगी। और इससे फायदा क्या होता है, चेक हमेशा पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, तो कल को अगर कोई गलत बंदा भी रिसीव करता है तो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि पेमेंट गई किसके अकाउंट में थी। इससे ये भी एक फायदा है कि चेक्स जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होता है, तो बैंक में पूरी डिटेल होती है कि उसने कब किसके अकाउंट में कितनी पेमेंट डाली है, तो पता चल जाएगा कि अगर बियरर भी था, खो भी गया था, तो कौन बंदा पेमेंट रिसीव करने आया है। दे आर इट मे बी अ बियरर और ऑर्डर चेक, बियरर का मतलब अगर वो क्रॉस्ड नहीं है, किसी के भी हाथ में लग गया, कोई भी बंदा उसको प्रेजेंट करके पेमेंट ले सकता है। ऑर्डर का मतलब वो क्रॉस्ड चेक है, भले ही किसी का नाम वगैरह नहीं लिखा, लेकिन क्रॉस्ड का मतलब है कोई भी बंदा उसको नहीं ले सकता। तो अगर उसमें किसी का नाम नहीं है, बैंक में कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो बैंक आपसे इंस्ट्रक्शन लेगा कि किसको पेमेंट करनी है। इट मे बी अ सेल्फ चेक, सेल्फ चेक क्या होता है, जब पेई और ड्रॉअर एक ही बंदा होता है तो वो हमारा सेल्फ चेक है। अकाउंट में ही ट्रांसफर होती है, कभी भी आपको कैश नहीं मिलेगा।
द चेक मिस्ड कंटेनर डेट, वहाँ पे ऊपर हमेशा हम लोग डेट लिखते हैं जिसके 3 दिन ग्रेस चलता है। पेई टू बी सर्टेन, पेई कोई फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए। पेई का भी एक बैंक अकाउंट, आप जो भी आपने अगर कभी चेक लगाया होगा तो पीछे आपको चेक के पीछे डिटेल होती है, आपको अपना नाम, बैंक का नाम, सिग्नेचर और अपना अकाउंट नंबर लिखना होता है। उसी अकाउंट नंबर में पेमेंट वगैरह रिसीव होती है ताकि कल को अगर कभी भी कोई दिक्कत भी हो तो हम लोग ट्रेस कर सकें कि किसके अकाउंट में पेमेंट गई थी। तो पेई कोई फिक्टिशियस पर्सन नहीं होगा, एक बंदा होगा जिसके पास प्रॉपर एक बैंक अकाउंट है, जिसके अकाउंट में बैंक ने पेमेंट करी है। हु कैन क्रॉस द चेक, नॉर्मली तो जो ड्रॉअर होता है वही क्रॉस करता है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, बाय क्रॉसिंग द चेक द ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू नॉट टू पे इट ओवर द काउंटर बट ओनली क्रेडिट। क्रॉसिंग से फायदा यही है कि कैश में पेमेंट आपको कभी नहीं मिलेगी। कैश लेके आप तो निकल गए, कल को हम देखेंगे ऐसे किसको पेमेंट गई थी। इसीलिए क्रॉसिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर किसी के अकाउंट में गलती से भी पेमेंट चली गई है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि किसके अकाउंट में पेमेंट गई है। तो क्रॉसिंग से एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करें कि ओवर द काउंटर आप पेमेंट नहीं करो। ओवर द काउंटर मतलब कैश में आप पेमेंट कभी नहीं करोगे, ये पेमेंट केवल क्रेडिट होगी अकाउंट में, ताकि कल को अगर कुछ भी दिक्कत भी होती है तो हम देख से किसके अकाउंट में गई। तो ये एक तरीके से सिक्योर है, ये ऐड टू अ सिक्योरिटी कि अगर गलती से गलत बंदे के अकाउंट में पेमेंट चली गई है या फिर बेयरर के अकाउंट में पेमेंट चली गई है तो हम लोग देख सके कि चेक चोरी हो गया था तो आपको हमें लौटा देना चाहिए था, आप तो ओवर द काउंटर पेमेंट रिसीव करने चले गए। तो क्रॉस्ड है मतलब किसी को कैश पेमेंट नहीं मिलेगी, अकाउंट में ही डायरेक्टली पैसा जाएगा। द चेक में बी क्रॉस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, ड्रॉअर ऑफ द चेक मोस्टली तो जो हमारा मेकर है वही करता है, या फिर होल्डर ऑफ द चेक। अगर हमने चेक आपको अनक्रॉस दिया है तो हम कहते हैं यार आप क्रॉस करके अपना नाम वगैरह लिख लो हमारी प्रेजेंस में, तो आप भी कर सकते हो जनरली और स्पेशली, या फिर बैंक, बैंक भी उसको क्रॉस कर सकता है। द बैंकर इन हुज फेवर द चेक हैज बिन क्रॉस स्पेशली मगेन क्रॉस इज स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर बैंकर, हमने बैंक को पे करी, बैंक ने आए किसी को पे करना है तो बैंक आगे भी उसको क्रॉस करके दे सकता है कि आप फर्दर इसकी पेमेंट कर सकते हैं अपने दूसरी ब्रांच वगैरह में। बैंक में या बिल्स वगैरह में ज़रूरी है एक डेट लिखी हो, ताकि डेट लिखी होगी उसी दिन तक आपको पेमेंट लेनी है या प्लस 3 डेज का उसमें ग्रेस चलता है, 3 दिन तक, अगर 1 तारीख है तो 4 तारीख तक, 4 तारीख है तो 8 तारीख तक, इस तरीके से आप रिसीव कर सकते हो। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल टू 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ग्रेस पीरियड चलता है। ग्रेस आर द इंस्ट्रूमेंट नॉट एंटाइटल टू पीरियड ऑफ ग्रेस आर चेक, चेक में एक फाइनल मेच्योरिटी डेट है। बिल पेमेंट ऑफ डिमांड, अगर डिमांड पे है तो जिस दिन डिमांड करेंगे उसी दिन, या फिर जहाँ पे कोई टाइम ही नहीं मेंशन, अगर हमें टाइम ही नहीं पता कि कब पेमेंट करनी है तो हम ये 3 दिन गिनेंगे कैसे, इसीलिए हमें टाइम हमेशा उसमें मेंशन करना है। पीरियड ऑफ ग्रेस आर अ बिल जो कि स्पेसिफाइड डेट है, या लिखा हो आफ्टर साइट मतलब इस पर्टिकुलर दिन के बाद, या अगर वो कंटिंजेंट है ऑन अ हैपनिंग ऑफ इवेंट तो वो इवेंट हो गया उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी पेमेंट रिसीव करनी है। सो इन द केस ऑफ टाइम बिल और नोट इट बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ग्रेस पीरियड, लास्ट डे क्या वैसे तो जो आपका मेच्योरिटी पीरियड है उसी दिन, नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर 3rd डे तक आपको वो इकट्ठा करना है। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में आपको 3-3 दिन का ग्रेस मिलेगा कि 3 दिन के अंदर आप ले लो। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे इट द बिल बिकम्स ड्यू ऑन इमीडिएटली प्रोसीडिंग बिजनेस डे, अगर 26 तारीख पड़ रही है वो तो 27 तारीख, 15 अगस्त पड़ रही है तो 16 तारीख, 2 अक्टूबर पड़ रहा है तो 3 तारीख, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे वाले दिन बैंक्स भी बंद है। कई बार होता है ना हमारा चेक है तो हम कहते हैं 26 जनवरी को छुट्टी है तो पहले ही ले लें, नहीं तो अगले दिन पेमेंट होगी, तो अगले दिन वो चीज़ हमारी होगी। इफ द मंथ इन विच द पीरियड इज टू टर्मिनेट हैज़ नो करस्पॉन्डिंग डे द पीरियड विल टर्मिनेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, या महीने में ख़त्म हो रहा है तो मंथ का आखिरी दिन, उसके बाद 1, 2, 3 हम लोग टाइम गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है, अ बिल डेटेड 6 फेब्रवरी इज पेबल 90 डेज आफ्टर डे, तो 6 फेब्रवरी का मतलब मार्च अप्रैल मे, 6 मे, 3 दिन का ग्रेस, 7, 8, 9। अ बिल डेटेड 1 जनवरी इज मेड पेबल 1 मंथ आफ्टर द डेट, तो ये डेट क्या लिखी हुई है 1 जनवरी, 1 मंथ आफ्टर द डेट, तो होनी तो चाहिए इनकी 1 फेब्रवरी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इन्होंने 3rd मार्च लिखी हुई है, मैच्योरिटी इनकी 30 डेज की होती है, इसीलिए 3rd फेब होना चाहिए था। हाँ तो यहाँ पे लिखा 1 है तो ये 3rd फिफ्थ।
अ बिल फॉल्स ड्यू ऑन 9th में विच हैपन्स ऑन संडे देन ड्यू डेट बिकम्स 8th में। तो उन्होंने बोला अगर तो पब्लिक हॉलीडे है तो अगले दिन, तो संडे कोई पब्लिक हॉलीडे तो है नहीं, वो तो नॉर्मली चलता है, तो हम लोग एक दिन पहले उसकी पेमेंट रिसीव कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे वाली इन्होंने बात करी और एग्जाम्पल में इन्होंने ये बताया कि अगर संडे है तो एक दिन पहले आपका टाइम खत्म हो जाता है, और अगर ये 2 अक्टूबर पड़ रहा होता, 15 अगस्त पड़ रहा होता, 26 जनवरी पड़ रहा होता तो 10 तारीख माना जाता वो। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या हुआ कि गुड फेथ में विद इन टाइम आपने डिमांड करा, हमने पेमेंट कर दी, मतलब दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करी। हमने जिस बैंक का नाम लिखा था आप उस बैंक के पास गए, हमारा उस बैंक में पूरा अकाउंट भी था और पेमेंट भी थी, आप वहाँ पे गए, वो क्रॉस चेक था, जो बंदा लेके गया बैंक ने आपकी आइडेंटिटी देखी और आपके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट हो गया। इन ड्यू कोर्स का मतलब दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन ऑन टाइम, जब हम लोग कहते हैं ना आपको गुड डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि हमने अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है सही तरीके, दोनों पार्टी में से किसी का इंटेंशन फ्रॉड वगैरह का नहीं था। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर, अपेरेंट का मतलब जो रियल टेन्योर है कि इतना दिन मतलब उतने ही दिन में, इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पार्टी, किसी पार्टी की कोई फ्रॉड नहीं थी, हमें आपको पेमेंट करनी थी, हमने बोला था या 2 महीने बाद कर देंगे, 2 महीने का टाइम ओवर हुआ, हमने डेट लिखी हुई थी, आप उस डेट में बैंक के पास गए, आपका जो चेक है वो ऑनर हो गया। द पेमेंट टू अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर सर्टन अंडर सर्कमस्टांसेस विच नॉट अफोर्ड डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन, मतलब हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि इसको पेमेंट ना दो, मतलब वो बियरर चेक नहीं था, वो ऑर्डर चेक था, क्रॉस्ड था, आपकी डिटेल थी, अमाउंट फिगर वर्ड सब कुछ मैच कर रहे थे, साइंड था, आपने जब उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करा आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल गई, दोनों पार्टीज को अपना अपना डिस्चार्ज मिल गया, मतलब इट रिजल्ट इन डिस्चार्ज, मतलब एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन भी फुलफिल, हमारी ऑब्लिगेशन भी फुलफिल, दोनों में से किसी ने कोई गलती नहीं करी, दोनों ने अपने अपने पार्ट में गुड फेथ में ही एक्ट करा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट इन डिस्चार्ज, हमने आपको पेमेंट कर दी, आपको पेमेंट रिसीव हो गई। अब पेमेंट इज सेट टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब दोनों पार्टीज को उस इंस्ट्रूमेंट से छुटकारा कब मिलेगा, जब हमने उसमें जो टाइम मेंशन किया है आपने उस टाइम में प्रेजेंट करा और आपको उस टाइम में पेमेंट मिला। इट इज़ मेड ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई और एक्सेप्टर, मतलब आप जिस भी बैंक के पास जाते हो जो भी नाम उसमें लिखा हुआ है आप उसके पास जाते हो और आपको पेमेंट मिल जाती है, दोनों में से किसी ने कोई फोर्स वगैरह नहीं करा, फ्री कंसेंट था, सही तरीके से सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए। इट इज़ मेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो एंटाइटल टू पेमेंट, हम लोग ने पढ़ा ना पेई शुड नॉट बी अ फिक्टिशियस पर्सन, ही शुड बी अ रियल पर्सन, आपके पोजेशन में वो चीज़ थी, आपने प्रेजेंट करी, आपको पेमेंट मिली, एंड इट इज़ मेड इन गुड फेथ, जब मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन देखा गया कि चेक बिल्कुल सही है, कोई सिग्नेचर वगैरह गलत नहीं था, सब कुछ भी दिक्कत नहीं थी, सही तरीके से बैंक ने आपको पेमेंट कर दी। देर इज़ नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट पोजेसर इज़ नॉट एंटाइटल, मतलब वो बियरर चेक नहीं था कि आप लेके आए तो बैंक भी कन्फ्यूज है या बैंक ड्रॉअर से कन्फर्म करें कि इसको पेमेंट करें कि ना करें, वो ऑर्डर चेक था, आपकी डिटेल थी और आप एक ऐसे बंदे नहीं हो हु इज़ नॉट एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट, यू आर एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट और आपको पेमेंट कर दी गई। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया गया है, प्रॉमिसरी नोट में हम लोग ने पढ़ा 2 पार्टी होती हैं, मेकर एंड पेई, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 भी हो सकती हैं और चेक में हम लोग पढ़ते हैं 3 होती ही हैं। इसके बाद ये तीनों जो हैं वो पहली बात तो अनकंडीशनल हैं, हम लोग किसी भी तरीके से कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगा सकते हैं, जो कंडीशन लगती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में लगती हैं, पेमेंट में आप कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं लगा सकते हो। कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय मेकर टू पे, कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहाँ पे भी बैंक को हम लोग ऑर्डर करते हैं कि इस बंदे को इतनी पेमेंट कर दो। एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्टेंस किसी में भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बस ज़रूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप उसके अगेंस्ट पेमेंट ले सकोगे। लाइबिलिटी मेकर की ही है क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉई वगैरह तो है नहीं, तुमने बोला था पे करेंगे तुम पे करो। लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी अपॉन नॉन पेमेंट ऑफ ड्रॉई, हम लोग पहले तो बैंक के पास ही जाएंगे, अगर बैंक पेमेंट नहीं करता तब हम कहते हैं ना भाई बैंक तो मना कर रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है क्योंकि हमने ड्रॉई का नाम लिखा, मतलब हमारे बिहाफ में बैंक तुम्हें पे करेगा, तो प्राइमरी लाइबिलिटी पे करने की किसकी है, बैंक की। अगर बैंक मना करता तो आप हमारे पास आते हो ना, यार बैंक तो पे ही नहीं कर रहा है तो हमें बताना होता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर यहाँ पे और इसमें ज़रूरी
ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग स्टॉप पेमेंट वाला भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है, कितनी पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी। वहाँ से आपके अकाउंट से डायरेक्टली ही पैसा कट जाता है, कभी भी आपका अगर चेक डिसऑनर होगा चार्जेस अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएंगे, तो वो आपको नोटिस वगैरह नहीं देते, लेटर नहीं देते, चार्जेस काट लेते हैं और आगे लिख के आ जाता है क्योंकि आपका चेक डिसऑनर हो गया। पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, यहाँ पे जो भी डेट लिखी होती है उसी डेट में हमें बिल्स को, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेक वगैरह में आपको ग्रेस पीरियड वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कैन भी क्रॉस, कुछ लोग क्रॉस नहीं करते इसलिए तो वो बियरर चेक कहलाता है, लेकिन हमें उसको हमेशा क्रॉस करना चाहिए, भले ही आप कोई नाम वगैरह ना लिखो, क्रॉस लिख दो। क्रॉस से बस होगा ये कि अगर कोई बियरर भी आया है तो उसको कैश नहीं मिलेगा, मिलेगा उसके अकाउंट में ही, और अगर क्रॉसिंग के साथ किसी का नाम लिख दिया तब तो और अच्छी बात है कि उसी बंदे को पेमेंट मिलेगी। तो केवल अगर क्रॉसिंग भी कर दिया तो आप इतने सेटिस्फाइड हो जाओ कि अगर गलत बंदे के पास पेमेंट चली भी गई तो तुम उसको ट्रेस कर सकते हो। क्रॉसिंग का मतलब पेमेंट कभी भी कैश में नहीं होगी, क्रॉसिंग का मतलब है पेमेंट हमेशा क्रेडिट ही होगी उसके अकाउंट में। पेमेंट ग्रेस पीरियड चेक में नहीं होता, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है, ऊपर भी लिखा होगा। इंस्ट्रूमेंट नॉट एंटाइटल्ड टू पीरियड ऑफ ग्रेस, चेक में आपको नहीं मिलेगा, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में मिल जाएगा, या फिर जो डिमांड में है, डिमांड का मतलब ही क्या है, उस दिन तुम हमें पेमेंट दोगे, उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। और जहां पे कोई टाइम ही नहीं मेंशनड है, जब टाइम ही नहीं है तो हम ग्रेस पीरियड कैसे कैलकुलेट, चेक्स में कभी भी नहीं होता ग्रेस पीरियड वगैरह, यहाँ पे भी लिखा है बिल्स में या प्रॉमिसरी नोट में होगा, चेक में आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, चेक में इसलिए तो हम लोग जो डेट लिखते हैं उसी डेट तक आपको पेमेंट मिल जाती है, ग्रेस पीरियड नहीं होता। हाँ ये बात अलग है कि अगर संडे वगैरह पड़ गया तो अगले दिन हमारा चेक ऑनर हो जाता है, पब्लिक हॉलीडे पड़ गया तो बैंक जितना टाइम बैंक ले, आप उसके बाद बैंक में सबमिट नहीं कर सकते हो, आपको उस तक ही जमा जमा करना है। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर, यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको पूछना पड़ता है कि अगर हमारा बिल डिसऑनर हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर आपको नहीं पता रीज़न तो, क्योंकि बैंक में प्रोटेस्ट करने का मतलब ही नहीं है, बिल आपका डिसऑनर या चेक डिसऑनर होता ही तभी है क्योंकि आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं थी, पेमेंट नहीं थी तो बैंक ने आपको नोटिस भी नहीं भेजा, आपके अकाउंट से उतने चार्जेस काट लिए जाएंगे, कोई नोटिंग या प्रोटेस्ट वगैरह का नहीं है। ग्रेस पीरियड इसमें अवेलेबल नहीं है, इन दोनों में ही अवेलेबल होता है, लेकिन अगर वो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, या अगर उसमें टाइम मेंशन आपने लिखा कि आई ओ यू रुपीज़ दिस मच, टाइम लिखा ही नहीं है, जब टाइम ही नहीं लिखा है तो ग्रेस पीरियड भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। बैंक में स्टैंपिंग नहीं होती है, लेकिन नंबर डेट ये सारी चीज़ें होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स हमारे स्टैम्प्ड होते हैं, मतलब सील वगैरह लगी होती है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या है, ऊपर दो टेढ़ी पैरेलल लाइंस खींच दो, वैसे तो हम लोग लाइन खींच के उसके बीच में भी नाम लिख सकते हैं, या लाइन खींच के यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अकाउंट पे ही, या फिर हम लोग लाइन खींच के यहाँ पे लिख देते हैं एंड कंपनी, कहीं भी आप अंदर भी लिख सकते हो बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने लाइन खींच के कुछ भी नहीं लिखा तो भी आपको बस इतना पता है कि अगर खो भी गया तो जो बंदा बैंक में लेके जाएगा पेमेंट तो उसको दे दी जाएगी, लेकिन उसके अकाउंट में कैश रिसीव कभी नहीं होगा। तो क्रॉसिंग से प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक सिक्योरिटी है कि कैश किसी को नहीं मिलेगा, तो अगर कल को आपको ट्रेस करना है कि हमारा चेक खो गया और वो ऑनर हो चुका है तो आप बैंक से पूछ सकते हो कि किसको आपने पेमेंट करी है, उसकी अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी। बाकी अगर आपने लिख दिया है ये वर्ड्स, उसका तो मतलब ही यही है कि जिसका नाम है उसी को पेमेंट दो और किसी को तुम पेमेंट ना करना। अ चेक में भी ओपन चेक और क्रॉस, ओपन मतलब क्रॉसिंग है ही नहीं, वहां पे तो ओवर द काउंटर पेमेंट हो जाएगी, अकाउंट में नहीं जाएगी। द फॉर्मर में भी प्रेजेंटेड अक्रॉस द काउंटर फॉर पेमेंट, फॉर्मर मतलब अगर ओपन चेक है तो मतलब वो बियरर चेक है, बियर चेक का मतलब क्या है कि ओवर द काउंटर, लेटर मतलब क्रॉस चेक अनदर बैंकर, मतलब आपका बैंक हमारे बैंक अकाउंट में ही पेमेंट करेगा, आपका बैंक डायरेक्टली हमको कैश पे नहीं करेगा।
वाइल इन द केस ऑफ ओपन चेक द पेमेंट मे बी ऑप्टेन इन कैश. ओपन मतलब बियरर चेक, जहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पे आपको कैश में पेमेंट हो जाएगी. क्रॉस्ड चेक में कभी भी कैश में पेमेंट नहीं होगी, भले ही वो बियरर ही क्यों ना रह जाए, किसी का नाम नहीं है, बैंक को आइडेंटिटी नहीं पता, तो बैंक पेमेंट भले ही कर देगा लेकिन कैश में कभी भी पे नहीं करेगा, वो आपके अकाउंट में ही उसको क्रेडिट करेगा. मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब ऊपर दो डायगनल लाइन हमने खींच दी, दो पैरेलल लाइन हमने खींच दी है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक. इन अदर वर्ड्स अ क्रॉस चेक इज वन विच हैज टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन. तो दो लाइन हमने खींच दी. क्रॉसिंग इज अ डायरेक्शन टू बैंकर नॉट टू पे मनी ओवर द काउंटर. ये इसका मतलब हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम केवल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पेमेंट करना. कोई भी बंदा जो तुम्हें प्रेजेंट करने आता भी है, तुम उसके बैंक अकाउंट में ही पैसा डालोगे, तुम कैश में उसको पे कभी नहीं करोगे. और अगर हमने नाम लिख दिया तब तो आपको जिम्मेदारी है देखना कि जिसका नाम लिखे उसी को पेमेंट मिले, और अगर नाम नहीं है तो कोई भी बंदा जो लेके आता पेमेंट करो लेकिन कैश में नहीं, उसके बैंकिंग अकाउंट में. ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग से हमको प्रोटेक्शन मिल जाती है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग इज टू गिव प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड द ओनर ऑफ चेक. एक सेफ गार्ड हो गई कि गलती से अगर हमारा चेक मिसप्लेस हो भी जाता है, पहले तो हम लोग स्टॉप पेमेंट लगा ही देते हैं, बाई चांस तब तक किसी ने रिसीव कर लिया, जब तक हमें हमने समझा कि चेक हमारा खो चुका है तब तक वो ऑनर हो चुका है अगर चेक, तो हमें पता चल जाए कि किसके पास वो गया ताकि हम रिकवर कर सकें. द क्रॉस चेक कैन नॉट बी पेड अक्रॉस द काउंटर बट इट शुड बी पेड ओनली थ्रू एन अकाउंट विद द बैंक. केवल वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पेमेंट होगी. तो अगर कभी भी हमारा चेक मिस यूटिलाइज हुआ है तो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि कौन वो फ्रॉडलैंड बंदा. अगर हमारे पास किसी का चेक आ गया तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैंक को जमा करें कि आपके अकाउंट का चेक है, खो गया था, आप इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि हमारी डिटेल तो वहाँ पे आई, चेक में हमारा तो अकाउंट नंबर लिखा ही रहता है तो बैंक को तो पता चल ही जाएगा. तो हमारी जिम्मेदारी ये थी ना, कि हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम पेमेंट ले लें. भाई पेमेंट भी ले लोगे, डिटेल तो आ ही जाएगी कि किसके अकाउंट में पैसा गया, तो तुम फंसोगे. तो अगर कोई भी बियरर चेक है तो आपके अकाउंट में ही पेमेंट आएगी, तो वो फ्रॉडलेंट बंदे को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसने पेमेंट रिसीव करी. क्रॉसिंग हमारी दो, कोई डाउट है? चेक के वो तो हम लोग भरते हैं ना, लेकिन चेक अभी आप देखोगे तो पीछे तीन कॉलम्स होते हैं. शायद मेरे पास फोटो होगी, एक सेकंड. ये तो ये चेक आया यहाँ पे, तो जो बंदा पे कर रहा है, अब उन्होंने हमें कल ही चेक दिया है, क्रॉस किया अकाउंट पे ही. ये चेक के पीछे ये खाली होता है ना, यहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है बेनिफिशियरी का नाम, वहाँ पे हमने अपना नाम भरा है हरविंदर कौर, हमारा अकाउंट नंबर और हमारा फ़ोन नंबर. ये चेक के पीछे की साइट है और ये चेक के आगे है. यहाँ पे उन्होंने हमारी डिटेल नहीं लिखी, उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है IDBI का, तो वो हमें खुद भरना होता है, लेकिन हम लोग पीछे भरते हैं. या आगे तो केवल उसी की डिटेल होती है लेकिन पीछे ये कॉलम होता है, और अगर नहीं होता तो हम लोग को खुद अपना भरना होता है. वैसे तो होता है, हम लोग ने जितने भी रिसीव करते हैं होता है, तो पीछे हम लोग अपनी डिटेल उसमें भर देते हैं. उसमें लिखा हुआ है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, आगे हम लोग ने अपनी डिटेल भरी. ताकि इससे हुआ क्या, पहले तो ये क्रॉस चेक है और क्रॉसिंग के बाहर उन्होंने लिखा है अकाउंट पे ही. अकाउंट पे ही में हमारा नाम लिखा हुआ है, पे हरविंदर कौर, और पीछे भी फिर हमारा नाम, क्योंकि अकाउंट पे ही मतलब जिसका नाम हमने लिखा है. तो पीछे अगर किसी और का नाम है तो वैसे भी वो तो ऐसा चेक है जो क्रॉस्ड है और वो आपको स्पेशली बता रहा है कि जिसका नाम है उसी को देना. और अगर केवल लिखा है, ये लिखा कुछ भी नहीं है, तो पीछे जो बंदा अपनी डिटेल भरेगा उसको बैंक दे देगा. बस हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि कल को हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि किसको दिया गया. तो ये वाला चेक जो हमें मिला वो था क्रॉस्ड चेक, प्लस पूरी डिटेल भी थी. ओपन चेक में क्या होता है, आपकी क्रॉसिंग वगैरह होती नहीं है, तो ओवर द काउंटर. अब यहाँ पे अगर अकाउंट पे नहीं भी लिखा होता और हमें चोरी से भी मिल जाता तो भी हम बैंक में जाते, हमें पीछे अपनी डिटेल भरनी होती ताकि कल को पता चल जाए कि किसने पेमेंट रिसीव करी है.
तो यहाँ पे हमारी आती है जनरल क्रॉसिंग और हमारी स्पेशल। तो ये जो हम लोग को चेक मिलता है वो होता है स्पेशल, मतलब लिखा होता है अकाउंट पेई एंड कंपनी पेई अकाउंट, कि जिसका नाम हम लिख के दे रहे हैं उसी को पे करना, और किसी को तुम पे नहीं करोगे। तो अगर अकाउंट जिसका नाम हमने लिखा और पीछे वाले बंदे का नाम टैली नहीं होता तो बैंक पे ही नहीं करेगा। और अगर केवल क्रॉस्ड चेक है, जनरली कुछ भी नहीं लिखा, तो जो भी बंदा प्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट मिलेगी, लेकिन थ्रू अकाउंटिंग चैनल, ताकि हम लोग ट्रेस कर ले कि कौन सा बंदा है। चेक के पीछे हमेशा डिटेल लिखी होती है, हो सकता है कुछ पुराने चेक्स होंगे उसमें ना हो, लेकिन अभी जो भी आते हैं हम लोग का ICICI में भी है अकाउंट, उसमें पीछे डिटेल होती है, अकाउंट नंबर, नाम और आपका मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं उसमें। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग, जनरल एंड स्पेशल। वेयर द चेक हैज़ बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द वर्ड, जैसे हम लोग एंड कंपनी कुछ भी ले लेते हैं या लिख देते हैं नॉट नेगोशिएबल, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस जनरली। एंड कंपनी मतलब ये कंपनी को ही मिलना चाहिए, नॉट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं है कि ये चेक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जिसका नाम हमने लिखा है वही किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसी के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, और कोई बंदा इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हम लोग ने पढ़ा ना कि एक बैंक भी दोबारा क्रॉसिंग, उसको हम लोग कहते हैं डबल क्रॉसिंग। हमने बैंक को क्रॉस चेक दिया, बैंक ने आगे उसको क्रॉस करके आगे फॉरवर्ड कर दिया कि वहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफरेबल है, बस ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हें हमारे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा जो आके कोई नया इंस्ट्रक्शन देता है वो आप ओबे नहीं करोगे। तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब पहले तो वही है, क्रॉसिंग का मतलब दो ऊपर लाइनें हैं। द लाइन शुड नॉट ऑक्यूपाई प्रिंटेड लेटर, लाइन के अंदर भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं या लाइन के बाहर भी, एंड वर्ड्स एंड कंपनी या कुछ भी बिटवीन द लाइन्स हम लोग लिख सकते हैं। द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल मे बी एडेड, या फिर हम लोग नॉट नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं, तो किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमें जो चेक मिला है उसके बाहर लिखा हुआ है, कहीं पे भी आप लिख सकते हो, लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, लाइन के बाहर भी लिख सकते हो, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। इट गिव्स अ डायरेक्शन टू पेइंग बैंकर, तो एक तरीके से बैंकिंग को, बैंक को एक डायरेक्शन है कि पहली बात तो ये क्रॉस्ड चेक है, जिस बंदे का नाम लिखा है उसी को पेमेंट मिलेगी। द बैंकर ऑन होम इट इज ड्रॉन शैल नॉट पे इट अदरवाइज दैन टू बैंकर, मतलब तुम किसी बंदे को कैश पे नहीं करोगे, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू ही चेक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। द पेमेंट शुड बी मेड थ्रू एन अकाउंट ओनली, अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट हो, ताकि अगर कल को कोई फ्रॉडलेंट विड्रॉल्स वगैरह हुए हैं हमें पता चल जाए। तुम कैश में पे कर दोगे बंदा लेके चला जाएगा, हम कहाँ पे ढूंढते, अब CCTV कैमरे में उसकी फोटो तो आ जाएगी पर हम कहाँ तक उस बंदे को ढूंढते रहेंगे। तो तुम बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर, तो ये पेइंग बैंकर की लाइबिलिटी है वेरीफाई करना कि जिस बंदे का नाम है हम उसी बंदे को पेमेंट करेंगे, और किसी बंदे को पेमेंट, तो पहले वाले बंदे का नाम और पीछे जिसका नाम लिखा है वो दोनों नाम सेम होने चाहिए, तभी बैंक आपको पे करेगा। स्पेशल क्रॉसिंग वेयर अ चेक बियर अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ अ बैंकर ईदर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, दैट एडिशन शैल बी डीम टू बी अ क्रॉसिंग एंड द चेक शैल बी डीम टू बी क्रॉस स्पेशली एंड बी क्रॉस टू दैट बैंकर, मतलब यहाँ पे बैंक की भी डिटेल होती है कि इसी बैंक के थ्रू आपको पेमेंट मिलेगी और किसी, तो अगर उस बैंक के पास पेमेंट नहीं है तो बैंक उसको डबल क्रॉसिंग कर देता है, मतलब बैंक आगे क्रॉस कर देता है, वहाँ से जाके आप रिसीव कर लीजिए, हम इसको पे नहीं कर पाएंगे। रूल वही है, दो पैरेलल लाइन आपको डालनी है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है बैंक का नाम भी लिखना आपको, बाकी इसमें हम लोग ज़रूरी नहीं है कि बैंक का नाम लिखे, बाकी चीज़ें सब वही हैं, एंड कंपनी अकाउंट पे ही सब लिखो, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक का नाम भी लिखना है। द नेम ऑफ अ बैंक इट सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल क्रॉसिंग, तो अब एक और चीज़ है, भले ही आपने क्रॉसिंग नहीं करी लेकिन ऊपर केवल आपने बैंक का नाम लिख दिया तो वो भी हमारी क्रॉसिंग ही मानी जाती है। तो एक तो होता है क्रॉसिंग, एक होता है क्रॉस ना करके आपने लेफ्ट साइड में जहाँ पे आप क्रॉसिंग करते हो क्रॉस ना करके यहाँ पे आपने बैंक का नाम लिख दिया, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। बाकी सारी चीज़ें वही, अकाउंट पे ही लिख दो, नॉट नेगोशिएबल लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब सही है, लेकिन क्रॉस ना करके हमने यहाँ पे बैंक का नाम डाला और यहाँ पे अकाउंट पे ही वगैरह जो लिखना है वो लिख दिया, तो वो हमारी स्पेशल क्रॉसिंग, मतलब वही है, काम ये कुछ अलग नहीं करेगा, वही है, बस ये दो तरीके की क्रॉसिंग बताई गई है। ये भी वही है, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक को ही पे करेगा, वो आपको ओवर द काउंटर कभी भी पे नहीं करेगा। इफ़ अ चेक स्पेशली क्रॉस्ड ऑन अ पर्टिकुलर बैंक एंड इफ सच चेक इज प्रेजेंटेड टू अनदर बैंक द पेइंग बैंक शैल रिफ्यूज द पेमेंट। अब होता क्या है कि हमें चेक मिला IDBI का, हमने ये चेक लगाया था SBI में क्योंकि हमारा अकाउंट उसमें है, हमने उसमें लगाया चेक, तो पेमेंट SBI में आई,
स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि जिस बैंक में, जिस बैंक का चेक हमें मिला, जो बैंक का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, उसी बैंक के पास आप जाओगे पेमेंट रिसीव करने। काफ़ी बार लोग होते हैं ना, भाई पंजाब नेशनल बैंक में कोई आपका अकाउंट तो नहीं है पेमेंट आने का। एक बार होता है ना, रिलेटिव्स का फ़ोन आता है कि आईसीआईसीआई बैंक में पेमेंट कोई अकाउंट तो नहीं, वहीं पे पेमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि वो स्पेशली क्रॉस्ड चेक उन्हें मिले कि जिस बैंक का नाम यहाँ पे लिखा है, बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया के ही अकाउंट में पेमेंट रिसीव होगी और किसी अकाउंट में आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी। इसीलिए तो हम लोग दूसरों के अकाउंट मांगते हैं ना। अब उसमें क्या लिखा है, अगर नहीं है तो एक और चीज़ लिखी है, बैंक आगे उसको क्रॉस कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं है तो बैंक आगे उसको क्रॉस करके लिख देता है अकाउंट पे कि भाई ये हमारे पास आया था, इनका अकाउंट नहीं है, तो इनके अकाउंट जिस भी बैंक में है वहाँ पे आप पेमेंट डाल सकते हो। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, द नेम ऑफ अ बैंक इट सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल क्रॉसिंग। तो हम लोग का जो बैंक है, इट इज़ अ डायरेक्शन टू पेइंग बैंक टू पे द अमाउंट टू द अकाउंट होल्डर ऑफ दैट बैंक बट नॉट टू अदर। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस बंदे का अकाउंट इसमें है, उसी को पे करना। इफ अ चेक स्पेशली क्रॉस इन अ पर्टिकुलर बैंक एंड इफ सच चेक इज प्रेजेंटेड टू अनदर बैंक, तो वो वाला चेक जो है वो मना कर देगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है, इसीलिए हम लोग के पास फोन आते हैं ना, इस अकाउंट में आप, इस बैंक में आपका अकाउंट तो नहीं है। अगर नहीं है, हम बैंक को बोलते हैं। आगे आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा डबल क्रॉसिंग का, तो बैंक आगे क्रॉस करता है पे टू आंध्रा बैंक। यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या था, हमने दो लाइनें नहीं बनाई, हमने बैंक का नाम लिख दिया। उस बैंक में हमें पेमेंट नहीं मिली तो हमने बैंक को बोला, बैंक ने आगे उसको क्रॉस किया कि आंध्रा बैंक या एसबीआई को दे दो, तो ये बैंक लिखता है। डबल क्रॉसिंग में हम लोग नहीं कर सकते, डबल क्रॉसिंग या सेकंड क्रॉसिंग बैंक ही करेगा। आप एक ही बार क्रॉस कर सकते हो, दोबारा अगर क्रॉस हुआ है वो बैंक ही कर सकता है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर से बोलो। हाँ वो तो भी एरर हो गया ना, क्रॉसिंग ही नहीं है, वो तो ओवर द काउंटर रिसीव हो जाएगा। नहीं है, आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड का तो होगा, तभी तो हम लोग को कोई बोलता नहीं आईसीआईसीआई में तुम्हारा अकाउंट तो नहीं है, चेक लगवाना है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक था। और अगर नहीं था तो ऐसा नहीं पेमेंट नहीं मिलेगी, आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक उसको दूसरे अकाउंट में डाल देगा। मतलब बैंक उसमें क्रॉसिंग जब करेगा, जब बैंक, जैसे ये है हमारा एसबीआई, हमने लिख दिया ये स्पेशल क्रॉसिंग, कोई बंदा एसबीआई का नहीं मिल पाया, हम उनको बताते हैं कि हमारा अकाउंट कहाँ है, वो लिख देता है अकाउंट पे ही, या जो भी आपका अकाउंट जहाँ पे है आईसीआईसीआई। तो ये एक बार क्रॉसिंग के बाद ये जो दोबारा क्रॉसिंग होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्रॉसिंग या डबल क्रॉसिंग। लेकिन ये वाली क्रॉसिंग ड्रॉअर नहीं कर सकता, ये वाली क्रॉसिंग ड्रॉई ही करेगा। ड्रॉई मतलब जिस बैंक के पास हम लोग गए थे वही करेगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप किसी से अकाउंट उनका ले सकते हो कि तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट आएगी हमें दे देना, और अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक डबल क्रॉसिंग करेगा। जब बैंक दोबारा से क्रॉस करता तो आपको दूसरे अकाउंट से, दूसरे बैंकिंग अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाएगी। बैंक खुद ही डाल देते हैं, आपको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि एक और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। लेकिन कोई भी बंदा जो आपको स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक देगा वो पूछ ही लेता है कि आपका अकाउंट है भी कि नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो टर्म्स हमारी बुक में दिए, नेगोशिएबल। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी काफ़ी चीज़ें, जैसे सेल ऑफ गुड में हम लोग ने पढ़ा था कि गुड्स भले ही सप्लायर के पास पड़े हुए हैं लेकिन रिस्क तुम्हारा हो गया। अब रियलिटी में ऐसा थोड़े, हम तो कहते हैं ना भाई तुम्हारी दुकान में छोड़ के गए, आग लग गई तो तुम ही पेमेंट करोगे ना। हम लोग ने उसमें पढ़ा था ना, तुमने खरीद लिया, पेमेंट भले ही नहीं करी, गुड्स में आग लग गई, आप पेमेंट करोगे। हम बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं कि हम पेमेंट करेंगे, और हम तो उससे बोलेंगे भाई तुम पेमेंट करो जो तुमने। लेकिन ये एक्ट में क्या है, सब कुछ दे रखा है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं। इन्होंने ये स्पेशल, आज जब भी आप पढ़ोगे, या आपके पापा भी सर्विस में होंगे या जॉब करते होंगे या बिजनेसमैन होंगे, वो भी जरूर चेक्स वगैरह का यूज़ तो आजकल हर बंदा करता है, वो भी क्रॉस करते होंगे, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग उन्होंने भी शायद सुना होगा। जल्दी जल्दी नहीं होती है, ये बुक में बहुत चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी वो जनरल क्रॉसिंग ही होती है, स्पेशल क्रॉसिंग नहीं होती है। और जनरल क्रॉसिंग में भी देखोगे ज़्यादातर लोग बस डबल लाइन बना देते हैं, लिखते नहीं है इतनी जल्दी। पे में आपका नाम लिख देते हैं कि पे
मिस्टर एक्स दिस मच अकाउंट, वो लोग इतनी डिटेल में नहीं लिखते, इतनी जल्दी दो चेक भर, ये बस ये है कि कॉन्सेप्ट इसमें है। काफ़ी बार ये होता है कि एक बैंक को दूसरे बैंक को पेमेंट करनी है, या बैंक में ही अपने डिपार्टमेंट में बैंक वाले सैलरी दे रहे हैं, आप बैंक में काम करते हो और आपको सैलरी मिल रही है, तो आपका अकाउंट तो वहाँ पे होगा ही ना उस बैंक में, तब दे दिया स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक कि है भी SBI का और आनी भी पेमेंट SBI के बंदे के पास ही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपका भी तो कोई भी, अगर हम आप पे कोई चेक ड्रॉ करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता स्पेशल क्रॉसिंग वाला, ये नॉर्मली बैंक्स में ही होता है, बैंक के इंटरनल डिपार्टमेंट्स को पेमेंट हो रही है या बैंक के इंटर डिपार्टमेंट पेमेंट है तो स्पेशल क्रॉसिंग होता है, नहीं तो हमारा जनरल क्रॉसिंग ही चलता है, स्पेशल क्रॉसिंग नहीं है। हाँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकलिटी में नहीं है लेकिन बुक में है तो हमें करनी पड़ेगी, तो ये वही चीज़ है। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या है, बैंक का नाम लिखा है वही बैंक पे भी करेगा और उसी बैंक के किसी अकाउंट में ही पेमेंट रिसीव होगी, नहीं तो हमें मिला IDBI का लगाया SBI में है, यहाँ पे क्या IDBI का मिला तो IDBI में ही तुम लगाओगे पेमेंट के लिए, नहीं तो तुमको नहीं मिलेगा, तो ये और प्रोटेक्शन दे रहा है कि भाई तुम्हारा ही बैंक है, तुम्हारे ही अकाउंट का बंदा है जिसको रिसीव होनी है, तो तुम और अच्छे से वेरीफाई कर लो कि ये जो बंदा है ये फिट है, फिक्टिशियस वगैरह तो नहीं है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं जैसे इसमें लिखा था अकाउंट पे ही वगैरह का मतलब जिसका नाम है केवल उसी को और किसी को नहीं आप दोगे, तो ये और एडिशनल प्रोटेक्शंस वगैरह दे दी गई हैं अकाउंट पे, जैसे हमने आपको चेक दिखाया अभी क्रॉसिंग के बारे में लिखा अकाउंट पे ही, तो जिसका नाम लिखा हुआ है पे हरविंदर कौर दिसमच उन्हीं को मिलना चाहिए और किसी बंदे को आप नहीं दोगे, तो अकाउंट पे ही या ये जिसका नाम क्रॉसिंग के बीच में है उसी को मिलेगा, तो इट इज मियरली इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन टू द रिसीविंग बैंक दैट द ड्रॉअर डिजायर्स टू पे द पर्टिकुलर चेक इन टू द बैंक विच कीप द अकाउंट ऑफ द पे। तो जिस भी बैंक में पे का अकाउंट है हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि उसके अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए। अकाउंट पे क्रॉसिंग चेक कैन ऑल्सो भी ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर चेक, तो सारी चीज़ें हमारी ट्रांसफरेबल होती हैं, कलेक्टिंग बैंक देखता है कि आपका अकाउंट किस अकाउंट बैंक में है, वहाँ से वेरीफाई किया जाता है रिकॉर्ड और आपके अकाउंट में पेमेंट कर दी जाती है। सेफेस्ट मेथड है नॉट नेगोशिएबल अकाउंट पे वगैरह लिख दो, तो जिसका नाम वगैरह है उसी को मिलेगा और किसी को आपकी अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिलेगी। तो हमने पहले ही बताया नॉट नेगोशिएबल का मतलब बस इतना है कि जिसका नाम है वही उसको ट्रांसफ़र कर सकता है और कोई, नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं होता नॉट ट्रांसफरेबल, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल का मतलब ही होता है ट्रांसफरेबिलिटी, नॉट नेगोशिएबल का मतलब केवल एक वार्निंग कि देख लो कि कौन बंदा पेमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो क्रॉस्ड चेक है तो आपको ओवर द काउंटर पे नहीं करना है, और अगर वहाँ पे अकाउंट पे लिखा है तो जिसकी डिटेल है आप उसी को दोगे, और अगर स्पेशल क्रॉसिंग है तो उसी बैंक के ही अकाउंट होल्डर को पेमेंट रिसीव होगी, नहीं तो आप डबल क्रॉसिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है और हमको प्रोटेक्शन वगैरह ही देती है कि कोई भी थर्ड पार्टी कैश में पेमेंट नहीं लेने आएगी, कोई भी पेमेंट लेगा वो चेक के थ्रू ही लेगा और केवल उसके बैंकिंग चैनल के थ्रू, और अगर बैंक ने नेग्लिजेंस अपनी दिखाई, गलत तरीके से पेमेंट करी तो बैंक ही लायबल होगा, अगर बैंक ओवर द काउंटर पे करता है कुछ भी करता है तो बैंक ही लायबल है हमें पे करने के लिए, क्योंकि ये बैंक की जिम्मेदारी की क्रॉस चेक है तो ओवर द काउंटर पे ना हो। डबल क्रॉसिंग का मतलब एक बार कोई क्रॉस चेक जब जाता है और उसमें दोबारा क्रॉसिंग करनी पड़ी है तो बैंक ही दोबारा क्रॉसिंग करेगा, बैंक का ही बंदा करेगा और कोई बंदा नहीं कर सकता, इसको हम लोग सेकेंड या स्पेशल क्रॉसिंग भी कहते हैं। वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड में अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अदर बैंकर, हमने जिस बैंक को क्रॉस करके दिया था उसने किसी और बैंक के फेवर में उस चेक को क्रॉस कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं डबल क्रॉसिंग। देयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड में अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अदर बैंकर और इज एजेंट फॉर कलेक्शन, वो कहते हैं हमारे अकाउंट में इनकी, हमारे बैंक में इनकी अकाउंट वगैरह नहीं है तो आप इनको पेमेंट कर दीजिए, इसको हम लोग डबल क्रॉसिंग भी कहते हैं। सेकेंड स्पेशल, प्राइवेट पार्टीज आर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज डबल, कोई बंदा नहीं कर सकता है केवल बैंक या बैंक के लोग ही कर सकते हैं, और ये मोस्टली स्पेशल क्रॉसिंग के ही दौरान होता है जब किसी बंदे का अकाउंट ट्रेस नहीं हो पा रहा। इट इज़ नॉट परमिटेड टू जनरल पब्लिक, ये केवल हमारे बैंकिंग चैनल्स मतलब इंटर बैंक ही पेमेंट वगैरह होती है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में नॉर्मली क्रॉस करते हैं और बैंक डबल क्रॉसिंग के लिए चेक के पीछे दोबारा से क्रॉस कर सकता है, अगर आगे जगह नहीं है तो पीछे भी वो कर सकता है। तो मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीज़न है आप पेमेंट कर दीजिए, इसको हम लोग सेकेंड या स्पेशल क्रॉसिंग भी कहते हैं।
जनरली द मेकर ऑफ द चेक मेक्स द क्रॉसिंग, इफ ही डज नॉट क्रॉस द होल्डर ऑफ अ चेक कैन क्रॉस इट और इन सर्टन केसेज बैंक, जो हम लोग ने पढ़ा जनरली मेकर या हमें मिला हम, या काफ़ी केसेस में अगर डबल क्रॉसिंग है तो केवल बैंक ही क्रॉस करेगा। अगर चेक हमारा अनक्रॉस्ड है तो कोई भी बंदा अगर आता है वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। हम लोग नॉन नेगोशिएबल वगैरह कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। चैप्टर ही ख़त्म हो गया, चलो ठीक है, इतना प्रीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा से मिलेंगे। शायद आपके कुछ डाउट्स वगैरह भी थे, आप कह रहे थे ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, हाँ तो बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस लेके आना। बाकी भी जैसे जैसे आपका होता चला जाए, नेक्स्ट क्लास में अगर सारे क्वेश्चंस होते हैं या जो चैप्टर्स आपके रह भी जाते हैं तो आप दोबारा से क्लास लगवा लेना, ठीक है। थैंक यू।